अस्सलाम वालेकुम जी, आज बना रहे हैं लाहौरी कढ़ाई आप लोगों के लिए, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मटन का मीट इस्तेमाल होगा। देखें, जो मैं मीट इस्तेमाल करती हूँ, आई प्रेफर बाइंग मिक्स्ड मटन। जो होता है मिक्स मटन में होता है कि उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट गोश्त के पीसेज मिल जाते हैं, तो ये मिक्स मटन हो गया। बीच में प्याज जाएंगे, फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है। टमाटोज जाएंगे, यानी कि टमाटर इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, इसे भी आपने जो है स्लाइस कर लेना है। दही जाएगी बीच में, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। जो मसाले हैं, दैट्स क्रश रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर दैट्स लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई काली मिर्च दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, गरम मसाला मेरा होममेड है, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया जो होता है उसे आपने ड्राई रोस्ट करना है, तवे पर आप उसको भूनेंगे और दरदरा सा पीस लेते हैं, दैट्स रोस्टेड एंड क्रश्ड। बीच में फ्रेश अदरक का इस्तेमाल होता है, जिंजर जूलियन लंबाई में काट लीजिएगा। बटर इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड। ट्रेडिशनल हांडियाँ जो होती हैं, देखें, जो आप स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं उसमें ज़्यादातर मक्खन या घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक्चुअली बटर में बना रही हूँ। कसूरी मेथी दैट्स ड्राई फेनिग्रिक लीव्स, कसूरी मेथी जो होती है वो इस्तेमाल करेंगे। बुलेट ग्रीन चिली, जायका ज़्यादा तीखापन कम। लहसुन यानी कि जो गार्लिक होता है आपने उसका छिलका उतारना है और पानी के साथ में आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से जो है कढ़ाई जब बाज़ार में आप खाते हैं तो इस तरीके से बनती है, और आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। देखिए, मैं इसको बनाने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। अगर आप इसको एक सादी हांडी में बना रहे हैं तो आप फॉलो इस तरीके से ही करेंगे। सादी हांडी लेंगे, उसमें आप मटन डाल करके जो चीज़ें मैं बीच में अब ऐड करने लगी हूँ वो आप डालेंगे। पानी हसबे ज़रूरत, ऑब्वियसली हम मटन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और आप इसको पकने देंगे हांडी में। ये इट विल टेक अबाउट 45 to 1 घंटा इसको लग जाता है चीज़ें कुक हो जाने के लिए, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल टेंडर करना है मीट को। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में ये हो जाता है। तो मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में चला गया मटन, बीच में जाएंगे जो कि आपको अनियंस दिखाए थे, टमाटोज जाएंगे बीच में, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और जाएगा बीच में पानी। प्रेशर कुकर का जो है ढक्कन अब आप बंद कर देंगे, इस पर वेट डालेंगे, और जैसे ही इसकी विसल स्टार्ट होगी, प्रेशर बनेगा, वहाँ से आपने इसको 20 to 25 मिनट्स देने और मटन परफेक्टली इंशाल्लाह गल जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊँ। मैंने इसे प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए कुक किया, और उसके बाद निकाल करके मैंने इसको एक हांडी में डाल दिया हुआ, ताकि ये कि बाकी के मसाले जो आसानी से बीच में मिक्सअप हो सकेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी जो है बीच में रह जाएगा जब आप इसको कुक कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करना जो कि दही है। फ्लेम आपने हाई पर रखना है, और जो है यहाँ पे इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तो ये चला गया बीच में दही, बीच में जाएगा लहसुन जिसे पानी के साथ आपने ग्राइंड कर लेना है, और बीच में जाएगा पूरा मक्खन। फ्लेम हाई पर रखें, चमचा हिलाते रहें यहाँ तक कि जो दही का पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, और जो बीच में थोड़ा सा पानी बच गया था वो भी ड्राई हो जाए, और मक्खन जो है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोबारा आपको सरफेस पर जो घी घी सा नज़र आना चाहिए। तो आपको फिर बाद में नेक्स्ट दिखाते हैं स्टेप। तो यहाँ पर देख लें, जब बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा दही का, तब आपने जो है बाकी के मसाले ऐड करने। तो ये चलेगी कसूरी मेथी, भुना और कुटा धनिया, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च। फ्लेम को हाई पर रख लें, और जो है मज़ीद मसाले को और यहाँ पे भूनेंगे, ताकि जो है घी या तेल या मक्खन जिसमें भी आप बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आए। तो जैसे ही आप देखेंगे कि सरफेस पर आ गया तेल घी जो भी इसमें बना रहे हैं, आप ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया, चंद हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, और बाकी जो है मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह फ्रेश अदरक ज़्यादा सारी यहाँ पर डालूँगी, थोड़ी सी रखूँगी गार्निशिंग के लिए, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको दम पे रख दें बिल्कुल लो फ्लेम पर फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट। दम पे रख लेने के बाद आप इसे सर्व करेंगे, गर्मा गर्म नान हो जाए या फिर तंदूरी रोटी, आपको दोनों सिखा दी हुई है, साथ में रायता सलाद बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।